प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है लेसन नंबर 7, एंगर। तो प्यारे बच्चों, एंगर का मीनिंग होता है क्रोध या गुस्सा। तो गुस्से में किए गए कार्य की वजह से बेटा हमें बहुत समय तक पछताना पड़ता है, और उसकी वजह से कई बार है ना बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो इसी से संबंधित प्यारे बच्चों ये कविता लिखी गई है, और इसी से संबंधित आपके प्रश्न उत्तर बोर्ड पे लिखे हैं, आप लोग देख लीजिए फिर अपन समझते हैं, ठीक है? तो इसमें आपके लिए पहला प्रश्न दिया गया है, हु इज ग्रेटर देन आदि। इट मीन्स यानी इसका मतलब है कि राजा से बड़ा कौन होता है, या फिर राजा से महान कौन होता है, ठीक है ना? तो देखिए, द पर्सन यानी व्यक्ति, हु यानी जो, क्रेसेस यानी कुचल देता है, एंड यानी और, कंट्रोल यानी नियंत्रित कर देता है, एंड एंग्री थॉट यानी गुस्से वाले विचार पर, इज ग्रेटर देन अ किंग। तो वही व्यक्ति राजा से बड़ा होता है। तो कौन सा व्यक्ति प्यारे बच्चों? कि वह व्यक्ति जो है ना गुस्से वाले विचार पर नियंत्रण कर लेता है, और विचार आने पर उसको कुचल भी देता है, वही क्या होता है? राजा से बड़ा होता है, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, हु इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज। नोबल यानी महान, ब्रेव यानी बहादुर, वाइज यानी बुद्धिमान, हु माने कौन, इज माने है। तो महान, बुद्धिमान, महान, बहादुर और बुद्धिमान कौन है? तो देखिए उत्तर, द पर्सन यानी व्यक्ति, हु यानी जो, कॉन्कर्स यानी विजय पा लेता है, द एंगर यानी गुस्से पर या क्रोध पर, एंड रूलिंग चैक और अपने आप को नियंत्रित कर लेता है या अपने आप पे शासन कर लेता है, इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज। तो वही व्यक्ति आपका महान, बहादुर और बुद्धिमान होता है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों देख लीजिए अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं हम, डिस्क्राइब एंगर इन योर ओन वर्ड। तो एंगर जो शब्द है उसको अपने शब्दों में हमें बताना है या फिर समझाना है। तो चलिए डिस्क्राइब करते हैं या वर्णन करते हैं। तो देखिए, बी रिपेंट यानी हम पछताते हैं, फॉर इयर्स यानी बहुत समय तक। तो हम है ना बहुत समय तक पछताते हैं, ओवर द एक्शन विच इज डन इन एंग्री मूड। एंग्री मूड का मतलब होता है गुस्से में, यानी कि जो कार्य हम गुस्से में कर चुके हैं उसी गुस्से की वजह से हमें बहुत समय तक पछताना पड़ता है, और कई बार जो सालों तक पछताते हैं, और हमारे जो संबंध होते हैं वो बिगड़ जाते हैं इन्हीं की वजह से। किसकी वजह से? गुस्से में। एक पल का गुस्सा पूरा का पूरा तहस नहस कर देता है अपने है ना रिश्तों को, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग एंग्री। गुस्से होने की क्या क्या हानियां होती हैं, या गुस्सा होने पर हमें क्या नुकसान उठाना पड़ते हैं, उसी से संबंधित ये आपका प्रश्न है। तो डिस्क्राइब यानी वर्णित कीजिए, देखिए आंसर में दे आर यानी वे, यानी गुस्से बताना है गुस्से से हमें नुकसान क्या क्या है। तो पहला नुकसान है मेरे प्यारे बच्चों, द एंगर स्नेचेस अवे द चार्म ऑफ द फेस। तो जो है ना गुस्सा होती है प्यारे बच्चों, वो चेहरे की रौनक को छीन लेता है। जो गुस्सा होता है, जो क्रोध होता है प्यारे बच्चों, तो वो क्या करता है, चेहरे की जो रौनक होती है उसको छीन लेता है। तो स्नेचेस माने छीन लेना, चार्म माने सुंदरता या रौनक, और फेस यानी चेहरा, ठीक है? अगला देखिए प्यारे बच्चों, वी कांट वर्क प्रॉपरली। और हम बेटा ठीक से काम भी नहीं कर पाते, गुस्से में रहते हैं ना बेटा, तो हमारा मन नहीं लगता किसी काम में, ठीक है? अगला क्वेश्चन आ गया, आई सॉरी अगली बात देखिए, इट डैमेजेस आवर हेल्थ। और यह हमारे स्वास्थ्य को भी डैमेज करता है, यानी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है? इसके बाद वाला प्यारे बच्चों, पीपल डू नॉट लाइक एंग्री मैन। और लोग जो होते हैं प्यारे बच्चों, गुस्से वाले आदमी को पसंद नहीं करते। आप भी नहीं करते होंगे, जो गुस्सा करता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता, उसको अपन क्या कहते हैं, डिसलाइक। डिसलाइक यानी नापसंद, ठीक है? अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन एंगर बी कंट्रोल्ड। गुस्से पर हम विजय कैसे पा सकते हैं, या जीत कैसे पा सकते हैं, तो ये अपन का प्रश्न है। देखिए उत्तर, एंगर कैन बी कंट्रोल्ड यानी गुस्से पर हम विजय पा सकते हैं, बाय मेडिटेशन यानी ध्यान करके, ध्यान लगा के, फिर बैलेंसिंग द ब्रेन यानी दिमाग को नियंत्रित करके, दिमाग को आप नियंत्रित भी कर सकते हैं, और थिंकिंग पीसफुली
और शांति से सोच करके, किससे? शांति से सोच करके इत्यादि। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं। Why do we depend for a long time? यानी हमें लंबे समय तक क्यों पछताना पड़ता है? ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों देखिए, the reason is behind it, इसके पीछे कारण है कि, पहला, if we hurt others, यदि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, hurt means होता है नुकसान पहुंचाना, यदि हम दूसरों को पहुंचाते हैं by our anger, अपने गुस्से से, then they hate us, तब भी हमसे नफरत करते हैं। तो है तो मतलब होता है नफरत करना। तो प्यारे बच्चे याद रखना कि जब भी है ना, हम दूसरों को अपने गुस्से की वजह से किसी को भी हम नुकसान पहुंचाएंगे, स्वाभाविक है बेटा वो हमें क्या करेगा, नफरत ही करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वी स्पॉइल एवरीथिंग, स्पॉइल का मतलब होता है फैला देना, ठीक है ना, या नष्ट कर देना। ठीक है, तो हम नष्ट कर देते हैं एवरीथिंग यानी पूरी चीजों को इन अ मोमेंट यानी पल भर में। तो प्यारे बच्चों पल भर में हम सारी की सारी चीजों को नष्ट कर सकते हैं केवल एक चीज की वजह से, वो है क्रोध। ठीक है, चलिए। To destruct takes little time, but construction takes long time। प्यारे बच्चों याद रखना कि जब अपन को है ना नुकसान पहुंचाना होता है या किसी भी चीज को मिटाना पड़ता है तो पल भर का टाइम लगता है, लेकिन उसी चीज को बनाने में बेटा लंबा समय लग जाता है। ठीक है ना, तो अपने संबंधों को अच्छा रखना है तो बेटा उसके साथ में हमें गुस्सा नहीं करना पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। द एक्ट डन इन स्टेट ऑफ एंगर आर ऑलवेज रिपेंटेड, गुस्से में किए गए कोई भी कार्य से बेटा हमें लंबे समय तक हमेशा पछताना पड़ता है, हमेशा ये होती है बात है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस चीज को याद रखना, ये आपके लिए यानी तीन नंबर का है तो बेटा तीन लाइन लिखना, और चार नंबर का है तो चार लाइन। ठीक है, चलिए इसके बाद वाले प्यारे बच्चों, एक एक नंबर का क्वेश्चन ही पेपर में अब इस बार पूछा जाएगा, जो कि पहले नहीं पूछा जा सकता था, केवल वो ग्रामर सेक्शन में ही आते थे, अब लेकिन पाठों में से भी आएंगे, तो इनको याद रखना, ये एक एक नंबर के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए इनको भी। एंगर मेक्स आवर फेस, गुस्सा जो है उससे हमारा चेहरा क्या बनता है, कैसा बनता है, सुंदर बनता है, प्रसन्न बनता है, अग्नि यानी क्रोध बनता है या फिर बुरा बनता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना इसका आंसर, अग्नि यानी क्रोध बन जाता है। ठीक है ना, कैसा बन जाता है, क्रोध या भद्दा, तो इसका आंसर क्या है, अग्नि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगला देखते हैं। एंगर इज अ ब्रेड थिंग, तो गुस्सा एक वस्तु है, तो कौन सी वस्तु है प्यारे बच्चों, अच्छी वस्तु है, बुरी वस्तु है, नाइस मानवीय इच्छा होता है और इविल मानवीय बुराई होता है। तो प्यारे बच्चों क्या है, तो याद रखना एंगर इज अ बैड थिंग, तो एंगर एक बुरी वस्तु है, तो यहाँ पे बैड याद रखना है, क्या रखना, बैड, इसका उत्तर है अग्नि, इसका उत्तर है बैड। अगला प्रश्न है, द एक्ट डन इन एंगर ऑलवेज, तो बेटा क्वेश्चन देखो ये याद रखना, जब भी है ना कर्म को हम महत्व देते हैं, जब भी हम कर्म को महत्व देते हैं तब वहां पे उसका सेंटेंस पैसिव वॉइस में ज्यादातर बनता है, और पैसिव वॉइस में हमेशा बेटा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का, कैसे, जैसे साइकिल सुधारी जाती है, तो यहाँ बेटा हम देखो साइकिल को महत्व दे रहे हैं, साइकिल सुधारने वाली को नहीं, तो यहाँ पे आएगा साइकिल इज रिपेयर्ड, साइकिल इज रिपेयर्ड, तो रिपेयर्ड बेटा थर्ड फॉर्म होती है, इंग्लिश सिखाई जाती है, तो इंग्लिश इज टॉट, यानी हमने यहाँ पे अंग्रेजी को महत्व दिया, इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक इसी प्रकार से जब है ना हम कर्मों को महत्व देते हैं तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनता है, और पैसिव वॉइस की फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे बेटा डिपेंडेंट जो है वो थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे हम इसको भरेंगे ना कि इन तीनों को। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इस बात का इसी ध्यान रखो। अगला है बेटा, The young man who keeps his temper is, वह व्यक्ति या जो जवान व्यक्ति होता है यदि उसने अपने दिमाग को मूड को अच्छा रखा, शांत रखा, है ना, तो क्या होता है, वह महान बनता है, बहादुर बनता है, बुद्धिमान बनता है, या फिर ऑल द अबव, तो इसका उत्तर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ऑल द अबव, तो ये आंसर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है आपका, We can enjoy the life living in.
अपनी जिंदगी में यदि हम आनंद मनाना चाहते हैं, उसका मनाना चाहते हैं, तो हमें कैसा रहना पड़ेगा प्यारे बच्चों? तो हमें शांति से रहना पड़ेगा। किससे प्यारे बच्चों? शांति से, ठीक है ना। एंगर गुस्से में नहीं रह सकते, नियंत्रण नहीं कर देंगे और भी अभाव नहीं हो सकता। तो क्या है चैप्टर इसका? पीस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप सभी देख लीजिए, और मैं आशा करता हूँ तो आज की चीजें आपको सारी की सारी समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ आप मुझे बता दीजिए। नमस्कार।